बजाना, ये बजाना आप अकेले, ये मत बजाना, ये मत हल्का बजाना। क्या बोलते हैं, रावणता, रावणता पुराना इंस्ट्रूमेंट है। अब तो वो सारंगी आ गई ना, जो ये सारंगी दूजी आती है। अच्छा, वो अलग होती है सारंगी, आपका ये इंस्ट्रूमेंट। तो आप यहाँ के हो लोकली, आपका यही काम है गाना बजाना, हमारे खानदानी धंधा। अच्छा, मान लो ये टूरिस्ट नहीं होते फिर आप क्या करते हैं? अब जैसे मान लो टूरिस्ट है, अब तो आप चलो आपका काम चल रहा है, टूरिस्ट अगर ना आए फिर आप क्या करते हो यहाँ पे गर्मियों में? जैसे मान लो गर्मी में वही धंधो करते हैं हम, गर्मी में ही काम करते हैं। आता है टूरिस्ट गर्मी में? आता है, गर्मी बहुत आता है। अच्छा, तो रेत तो ये गर्मी में गर्म होता है फिर? नहीं, गर्म होता तो पैर में जूती पहनी रहती। नहीं, टूरिस्ट तो बहुत कम आते होंगे। आप तो जैसे फिर आपका काम कैसे चलता है? ये बहुत लोग आता है बाहर का, आता है दरगाह के मायने खाजा साहब के। अच्छा, उधर जैसे अजमेर आ गए, अजमेर से यहाँ लोग घूमने के लिए आगे पुष्कर में आ गए, गाड़ा में आ जाएगा घूम के, घूम फिर के फिर उससे थोड़ा बहुत मतलब जीना चलता है। कोरोना जैसे आया था, या कोविड जैसे आया था वहाँ पे, उस टाइम आपने क्या किया? नहीं, कोरोना में घर में आराम करा, घर में आराम किया, बाहर निकल पा दिया। फिर खाना पानी आपको खाना कैसे भेज देता हमारे सरकार, दे देती सरकार? हाँ, सरकार ने आपका किया था पूरा। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम तो मंगला है। मंगला, अच्छा। नहीं, नहीं तो फिर कैसे मैनेज किया आपने? नहीं, अब तो मैं मेहनत कर रहे हो, चलो अब तो खा रहे हो। कोरोना के टाइम तो किसी ने नहीं बोला, कोरोना के टाइम में क्या था? आटा सरकार ने दिया था, चाय शुक्र भी भेजता लाए। हाँ, उसके बगैर तो हो ही नहीं पाता कुछ। ऐसे मर जाता कोरोना, हाँ खत्म हो जाता। हाँ, कुछ ना कुछ तो सरकार ने दिया होगा, तभी तो है ना। उस टाइम तो किसी के पास था ही नहीं, हम भी घर पे थे, हम भी नहीं निकल पाते थे। सरकार एक दिन 10 किलो ऑटो दे दे तो मिलना थोड़ी कर जाओ सब, आप तो कितने लोग हो आप परिवार में? लोग बहुत है परिवार, सारे लोग बहुत गुरुवान। झोंपड़ियाँ उधर है सारे, आगे जाओ नहीं देख, कच्ची झोंपड़ी। मैं गया था उधर आपके झोंपड़ी में देखने, गया था। हाँ, उधर कोई टेंट टेंट लग रही है, 20 एक झोंपड़ियाँ हैं उधर बनी हुई आपकी, वो परिवार की है जो भोपा बोलते हैं ना आप, नाइक भोपा। हाँ, भोपा। एक तो और भरोसा भाई, बहुत है इतना, बहुत गंदे बच्चे। देखो, मैं ऐसे नहीं कि आप एक अकेले, मैं घूमने के लिए हूँ सब जगह, कहीं 50 दे दिया, कहीं 20 दे दिया, ऐसे करके पूरा 1000 रुपये हो जाता है एक दिन का। ऐसे आपको मैंने दे दिया बस, ठीक है। यहाँ तो मैं कोई फैमिली के साथ घूमने आऊँ फिर तो है ना। तो उधर जो भोपाल लोग हैं उनसे मैंने बात की कि कोविड के दौरान आपने किस तरह से मैनेज किया था, तो उन्होंने बताया कि सरकार हमको कुछ ना कुछ दे के जाती थी। ये बात तो सही है, सरकार ने उस टाइम किया था कोविड के टाइम सबको कुछ ना कुछ, जो गरीब लोग हैं उनको किट उपलब्ध करवाई थी, नहीं तो ये यहाँ के जो लोग हैं लोकल भूख मर जाते अगर सरकार ने कुछ ना किया होता, क्योंकि कोविड का इतना खौफ इतना था उस टाइम। ये देखो, मुस्लिम लोग जो दरगाह के अंदर आते हैं यहाँ पे, तो ये पुष्कर होके चले जाते हैं कुछ ना कुछ यहाँ से। ये आगे बच्चे बैठे हुए हैं, मांगे हैं कुछ ना कुछ, ये यहाँ उठवा ले जाते हैं, उनसे मांगते हैं जो मुझे कैसे छोड़ेंगे ये।
अरे आपने तो घर बहुत सुंदर बनाया हुआ है। मुझे फटावा नोट दिया ना। हाँ आप दे 10 रुपए मुझको। इधर ऊंट आ रहा है। घर तो बताओ आपका है, कौन कौन सा घर है? अच्छा बनाए आप इसके साथ नहीं आपने मुझे 10 का नोट फटा दिया ना। हाँ दे दूंगा बढ़िया। वो लड़का ऊंट लग गया। फटा हुआ था क्या वो नोट? फटा हुआ था नोट? आपने बोला ना आप क्या, मैं अभी अगली बार आऊंगा जो 20 रुपए दूंगा तुझको। नहीं ऐसा तो नहीं बोला था मैंने। किस किस का घर है ये? क्या रखा है घर पे? अरे 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 ये क्या रखा है? एक बच्चा। अच्छा ये मंदिर है क्या आपका? प्रसाद चढ़ाया आपने? और ये चूल्हा, चूल्हा बनाया? हाँ। घर तो आपने बहुत सुंदर बना रखा है। घर के बारे में तो बताओ, आपको घर के बारे में बता ही नहीं रहा मेरे को। ये बता रही है बेटी दे क्या? निकाल दी भाई। मेरी बात सुनो, टॉफियां हैं मेरे पास, एक एक सबको दूंगा। हाँ। गीत सुना दो एक मेरे को। टॉफियां हैं मेरे पास, बैठ के सुनाओ यहाँ पे, बैठ दो खड़े हो, नहीं मिलेगा, बैठो वहीं पे। तेरे को मिल गया, जिसको मिल गया वो नहीं आना। अच्छा नहीं, मैं सबको देख रहा हूँ किसको, इन दोनों को नहीं मिला बस। सबको मिल गया बस, एक एक रह गया। अरे उनको भी आ गया।